वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ चैप्टर थर्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11। आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि चैप्टर नंबर थर्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो जो टॉपिक हम करने वाले हैं, वो सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर जब बिल्कुल ही अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, मतलब अपने एंटायर इनकम को खर्च करके वो बिल्कुल खुश हो जाता है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, या अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन को हम इसमें करेंगे। नंबर टू, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बेटा हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। पहला कार्डिनल अप्रोच, जो कि अल्फर्ड मार्शल ने दी है। दूसरी इनडिफरेंस यूटिलिटी वाली जो है, जो कि हिक्स ने दी है, मतलब प्रोफेसर हिक्स ने दी है। तो दो अप्रोचेस में से हम जो इस चैप्टर के अंदर करेंगे, दैट इज कार्डिनल अप्रोच, जो कि 1, 2, 3 की फॉर्म में होती है। मीन्स आप देखेंगे कि कार्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या होती है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर इज यूटिलिटी। आपको जिस चीज की जरूरत है, वो चीज आपको मिल रही है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। कोई भी चीज आपने जब यूज की, उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट कंसेप्ट, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब हम कंजप्शन के लेवल को बढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। कहने का मतलब है, किसी भी चीज के कंजप्शन को जब इंक्रीज किया जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है। हम इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम, प्लस इसका लो और प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। कुल मिलाकर हम 4 कंसेप्ट इसके अंदर पूरे करने वाले हैं, और इन्हीं 4 कंसेप्ट को लेकर मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।